अब इसकी क्या जरूरत है आखिरकार यहाँ पर सिमी जेन को ब्लड लाइन में लाने के लिए। तो गाइस फाइनली यहाँ पर पॉल हीमन को रिटर्न करने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर वापस उनसे यहाँ पर गले मिली। लेकिन गाइस यहाँ पर पॉल हीमन ने तो इसके बारे में कभी नहीं बताया था कि उनके पास भी गर्लफ्रेंड है। अब ये कौन है यहाँ पर जो रॉमर से मिलने आए थे और यहाँ पर स्मैकडाउन भी अटेंड किए इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। तो गाइस अब इनकी भी यहाँ पर फटी पड़ी हुई है कि अब हमारा ब्रेकअप होने के बाद आखिर क्या होगा। ओके तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे यहाँ पर सेमी जेन भी यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन में वापस आ चुके हैं। तो ओजी ब्लड लाइन यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर इनका अगला जो मैच होने वाला सर्वाइवर सीरीज में वो भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह से ऑफिशियल कंफर्म हो गया है। अब ओजी ब्लड लाइन के लिए अगला टी शर्ट होगा उनका यहाँ पर मर्चेंडाइज सेल के लिए। पहले यहाँ पर ओटीसी था, अब ओटीसी से यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोमेश भी पहने हुए हैं। एलेक्स पेरा जो यूएफसी के चैंपियन है वो यहाँ पर रोमेश से ऑफिशियली मिलने थे और यहाँ पर स्मैकडाउन भी यहाँ पर इन्होंने अटेंड किया था इस बार का। और इनकी बीच यहाँ पर बैक स्टेज काफी कुछ डिस्कशन होता है जहाँ रॉमेज इनके बारे में कहते हैं कि इनकी फैमिली यहाँ पर इनको काफी पसंद करती है और इनका सारा मैच भी देखती है। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इनको पहले से जानते थे या फिर नए कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। रॉमेज के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जब यहाँ पर सोरोसिको इनकी बात नहीं मान रहे थे तो इस स्मैकडाउन पर उन्होंने यहाँ पर बुफेलो करके बुला लिया। पॉल हीमन को यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने के बाद कालिया बैक्स्टर ने उनको यहाँ पर गले लगा लिया। अरे वही कालिया बैक्स्टर जो यहाँ पर पॉल हीमन की काफी इंटरव्यू लिया करती थी, इनसे यहाँ पर प्रश्न पूछा करती थी। वैसे गाइस यहाँ पर पॉल हीमन और कालिया बैक्स्टर का भी इस स्मैकडाउन पर रिटर्न देखने को मिला जिससे यहाँ पर दोनों यहाँ पर गले मिल जाते हैं। वैसे गाइस आप इस बंदे को देख सकते हैं, इसका यहाँ पर शादी हो रहा है उसके बावजूद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट लेकर यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। वैसे ये वाला मोमेंट तो हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ही फील कर सकते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो गाइस यहाँ पर किसी से पूछा गया कि उनका यहाँ पर फेवरेट सुपरस्टार कौन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो उन्होंने बताया पहले नंबर पे जॉन सीना और दूसरे नंबर पे शॉन माइकल्स और तीसरे नंबर पे यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन, चौथे नंबर पे अंडरटेकर और पांचवें नंबर पे यहाँ पर रोमन रेंज। तो इनसे मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर होते तो बोलते कि मैं यहाँ पर संतोष पागल नहीं हूँ, केवल 5 मिनट में जाने लेना बाबू, केवल 5 मिनट में। उसके आगे तो आप जानते ही होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये रहे ब्लड लाइन की हिस्ट्री। आप देख सकते हैं 2020 इनकी शुरुआती हुई थी, अब 2024 तक अभी यहाँ पर चलते आ रहा है ब्लड लाइन के यहाँ पर ड्रामा, जहाँ पर 2020 में यहाँ पर ब्लड लाइन की शुरुआत होती है और 2022 में जाने के बाद ये पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाता है और 2024 में आने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर फॉर्म लेता है ओजी ब्लड लाइन की टीम। तो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जजमेंट डे के बारे में। तो जजमेंट डे का यहाँ पर ब्रेकअप होने वाला है क्योंकि यहाँ पर इनको 10 साल हो चुके हैं यहाँ पर डेब्यू किए हुए। 2014 में इनका यहाँ पर एंट्रेंस हुआ था, अब यहाँ पर 2024 हो चुका है। वैसे गाइस इनसे पुराना कोई नहीं होगा इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो इतने साथ यहाँ पर रहकर इन्होंने काम किया है। तो इनका यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में 10 साल का एनिवर्सरी हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि इनका एक बार फिर से यहाँ पर ब्रेक डाउन हो, उसके बाद इनके बीच यहाँ पर अलग ही प्रकार का ड्रामा देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये ट्रिपल एच के पेरेंट्स है जहाँ उनके यहाँ पर फादर्स है और मदर्स भी है इस फोटो में। फिन बैलर को भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलिंग करते हुए उनको यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं और यहाँ पर 10 साल में वो यहाँ पर 11 बार चैंपियनशिप बन चुके हैं। 11 बार यहाँ पर चैंपियनशिप बनने के बाद अभी भी वो यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मिया चिन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू चैंपियनशिप बेल्ट देखने के बाद उन्होंने यहाँ पर कमेंट करते हुए बताया कि तो उनका मानना है वो यहाँ पर अभी एक बार भी यहाँ पर चैंपियनशिप बनी नहीं है, तो उनका ये है कि वो उनके लिए एक बेस्ट शॉट है यहाँ पर चैंपियनशिप बनने के लिए। वैसे गाइस यहाँ पर एक मीम तो बैठता है कि ख्वाब तो देख लिया करो यहाँ पर औकात के अनुसार। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर रिया रिप्ली से किसी ने यहाँ पर इंटरव्यू में पूछा कि आखिर वो यहाँ पर कब माँ बनने वाली है, तो रिया रिप्ली ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि उनका मानना है कि वो अभी यहाँ पर 5 से 10 सालों के लिए यहाँ पर माँ नहीं बन सकती। अभी यहाँ पर उनका जो पूरा फोकस है वो रेसलिंग कैरियर पे है, उसके बाद वो यहाँ पर आगे फ्यूचर के बारे में देखेंगी। उसके बाद यहाँ पर रिया रिप्ली ने बैकी लिंच के बारे में भी काफी अच्छी बातें कही कि वो यहाँ पर उनको सलाम करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर रेसलिंग के साथ साथ वो एक अच्छी पेरेंट्स भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस फोटो को यहाँ पर लिम मॉर्गन ने इसे पोस्ट किया था जहाँ उनका मानना है कि वो इनका ड्रीम फोटो है। तो लिम मॉर्गन ने इस पर यहाँ पर कमेंट करते हुए बताया कि वो एक बार फिर से यहाँ पर सारे टाइटल को होल्ड करना चाहती है। वैसे क्राउन ज्वेल में इस चैंपियन बनने के बाद यहाँ पर लिम मॉर्गन का जो इच्छा है वो बढ़ते जा रहा है। उसके बाद आज का लास्ट और फाइनल अपडेट यहाँ पर स्मैकडाउन को लेकर कि अगले स्मैकडाउन पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। वैसे गाइस इस बार के स्मैकडाउन पे यहाँ पर 2 मैच हमें ऑफिशियली देखने वाले, पहले यहाँ पर नाया जैक वर्सेस नॉर्मे के बीच, उसके बाद मोटर मशीन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच।